वाह, दाल मखनी ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट है ना? दाल मखनी मेरी तरह आपकी भी फेवरेट है कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना। और अगर नहीं है तो आपकी कौन सी फेवरेट है ये बताना। मेरी एक फ्रेंड की फरमाइश थी कि उनको मेरी दाल मखनी की रेसिपी चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो ही बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति। मेरी यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, या क्राफ्ट रिलेटेड या किचन रिलेटेड। और अगर आप जो भी अपनी तरफ से कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करना, अगर नहीं लगते हैं तो डिसलाइक भी करना मत भूलना। सब्सक्रिप्शन फ्री है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो अब तक आपने नहीं किया हो तो, और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। इससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आज हम सीखते हैं दाल मखनी, और उसके लिए क्या तैयारियां करनी है चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने होल उड़द 1 कप लिया है और 1 टेबलस्पून राजमा लिया है। इसको 3-4 बार रगड़ रगड़ कर धोना है। जब तक पानी क्लियर नहीं आ जाता तब तक इसको धोना है अच्छे से रगड़ रगड़ के। इसमें बहुत ही गंदगी होती है, देखना पानी देख के ही पता चलता है, तो धोना ज़रूरी है। मैंने 2-3 बार धो लिया है। अब इसको ओवरनाइट सोक करके रख देंगे। देखिए हमारी दाल अच्छे से भीग गई है ना, और कलर भी चेंज हो गया है। तो ये पानी निकाल के हम एक बर्तन में ये दाल ले लेंगे और कुकर में 4 से 5 सीटी होने तक पकाएंगे। ऑथेंटिकली ये दाल उबाल उबाल कर पकाई जाती है, जिसमें 1 या 1.5 घंटा लग जाता है। अभी किसके पास इतना टाइम है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, नमक भी नहीं। यहाँ मैंने 4 रेड टमाटर ले लिए हैं, उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। हमारी दाल पक गई है, ऊपर का ये काला पानी हम निकाल लेंगे। उससे स्टार्च भी निकल जाता है और कलर भी अच्छा आता है। देखिए अच्छे से पक गई है। चलिए अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें 100 ग्राम बटर डालेंगे। ज़्यादा है ना, लेकिन नाम में ही मक्खन है तो डालना तो पड़ेगा। डाइटिंग वाले थोड़ा कम या स्किप कर सकते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च और टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी, साथ में 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार। हमने दाल में भी नहीं डाला था तो इस हिसाब से डालना है। देखिए बटर ऊपर आने लगा है, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है। चलिए दाल को भी डाल देते हैं, इसमें ज़्यादा कोई मसाले पड़ते नहीं हैं, गार्लिक का फ्लेवर ही ज़्यादा रहता है इसमें। इसे अच्छी तरह उबलने देते हैं। कंसिस्टेंसी देखिए अभी पतला लग रहा है, ठीक कंसिस्टेंसी आए तब तक हमें 10 से 15 मिनट उबालना है। देखिए अभी ठीक होने लगी है, बस यहाँ तक उबालना है। अभी हम एक ऊपर से तड़का देंगे। वापस मैंने बटर ले लिया है, आप घी तेल कुछ भी ले सकते हैं। बटर डाल के बटर थोड़ा पिघले, उसके बाद चॉप्ड गार्लिक डालना है, और गार्लिक को ऑलमोस्ट ब्रंट हो जाए तब तक पकाना है, लिटरली ब्राउन ही करना है। गार्लिक अच्छे से ब्राउन हो जाए तो ये तड़का हम दाल में डाल देंगे। पूरा किचन बटर और गार्लिक की खुशबू से भर गया है, ये तो आप खुद बनाएंगे तभी महसूस करेंगे। लीजिए दाल मखनी हमारी रेडी हो गई है।
अच्छे से मिलाकर हम इसको सर्व कर लेंगे। कलर कितना अच्छा आया है, टमाटर की वजह से और कश्मीरी लाल मिर्च के वजह से। ऊपर से अदरक से गार्निश करेंगे और थोड़ा क्रीम डालेंगे। ऑप्शनल है लेकिन दाल मखनी में क्रीम पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा इसमें ऑनियन नहीं पड़ता, दाल मखनी में ऑनियन नहीं जाती। अगर आप डालना चाहो तो बॉईल करो जब दाल में, तब थोड़ा ऑनियन डाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। आप भी ज़रूर बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।